हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भाई लाल किले पर थे पीएम मोदी, अचानक आया हेलीकॉप्टर और फिर जो हुआ देखते रह गए सब। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। अरे वाह, तोपों की सलामी भी साथ साथ हो रही थी। पूरा मतलब इतनी वो दिख रहा है। ओ, मुझे पता है क्या करेंगे। होता है हेलीकॉप्टर, ये बहुत सबसे मजेदार है, मेरा फेवरेट। देखना अगर आपने वो नहीं देखी, मिस कर दी क्योंकि दूर से आ रहे हैं। अरे नीचे दिखाई कैसे आता है। अभी ये सब एकदम से नीचे आ जाएंगे हेलीकॉप्टर्स, देखना। अभी अभी नीचे, अभी नहीं, अब नीचे आ जाएंगे। देखा कितना अच्छा डिजाइन है वहां पे, देखो कलरफुल और एक एक सेम फोटो। अरे मोदी जी की जो बनाई पहनी है ना, वो बड़ी अच्छी है। इसको बनाया भी ओए होए, ये देखो ऐसे ही है। अच्छा लग रहा था जैसे पैर जो मैंने देखे हैं। तो पैर रखने का भी तरीका इतना चल रहा है, चल रहा है, हमें जरा मोदी जी को देखे तब लगता है अपने घर के। मोदी जी को म्यूजिक को सुनाई दे रहा है अपने ही है। जैसे अपने पापा मम्मी होते हैं और वैसी फीलिंग आते हैं, अपने घर के मेंबर हैं जो इंडिया में रहते हैं। मेरे प्रिय, 140 करोड़ परिवारजन, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र माइक और अब जरूरत
न्यू टेक्नोलॉजी, बहुत लोगों का अभिप्राय है न्यू टेक्नोलॉजी है कुछ अच्छी। जनसंख्या की दृष्टि से भी हम विश्व में फूलों के अंदर नंबर एक पर है। इतना बड़ा विशाल देश, 140 करोड़ देश के मेरे भाई बहन, मेरे परिवारजन आज आजादी का पर्व मना रहे। देखो देखो, येलो पर्पल रेड ग्रीन एक एक वो बनी है उसमें, कोटि कोटि जनों को ऐसे फोल्ड किए, देश और दुनिया में भारत को प्यार करने वाले, भारत का सम्मान करने वाले, भारत का गौरव करने वाले कोटि कोटि जनों को आजादी के इस महान पवित्र पर्व की अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। मेरे प्यारे परिवारजन, पूज्य बापू के नेतृत्व में असहयोग का आंदोलन, सत्याग्रह की मूवमेंट और भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे अनगिनत वीरों का बलिदान उस पीढ़ी में शायद ही कोई व्यक्ति होगा जिसने देश की आजादी में अपना योगदान न दिया हो। बिल्कुल, मैं आज देश की आजादी के जंग में जिन जिन ने योगदान दिया है, बलिदान दिए हैं, त्याग किया है, तपस्या की है, उन सबको आदर पूर्वक नमन करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। आज 15 अगस्त महान क्रांतिकारी और अध्यात्म जीवन के ऋषितुल्य प्रणेता श्री अरविंदो की 150वीं जयंती पूर्ण हो रही है। ये वर्ष अरे वाह, क्या सुंदर लग रहा है। स्वामी सरस्वती के 150वीं जयंती का वर्ष है, ये वर्ष रानी दुर्गावती के 500वीं जन्मशती का बहुत ही पवित्र अवसर है, जो पूरा देश बड़े धामधूम से मनाने वाला है। ये वर्ष मीराबाई भक्ति युग की सिरमौर मीराबाई के 525 वर्ष का भी ये पावन पर्व है। ये बार जो 26 जनवरी हम मनाएंगे वो हमारे गणतंत्र दिवस की 75वीं वर्षगांठ होगी। अनेक प्रकार से, अनेक अवसर, अनेक संभावनाएं राष्ट्र निर्माण में जुटे रहने के लिए पल पल नई प्रेरणा, पल पल नई चेतना, पल पल सपने, पल पल संकल्प, शायद इससे बड़ा कोई अवसर नहीं हो सकता। कमाल ही था। और अच्छा, ये हमने इसका थोड़ा सा पार्ट एक और वीडियो में भी देखा था, पर उसमें जो था उन्होंने इनमें इन्होंने म्यूजिक दूसरी तरफ लगाया हुआ था, उल्टा किया हुआ था, उसमें म्यूजिक उल्टा था, तो उसमें नेशनल एंथम और वो सब जब था उस वाले पार्ट में उन्होंने म्यूजिक लगाया हुआ था और वैसे सब दिखाया था, तो दोनों वीडियोस में था। पर इसके बाद मोदी जी का जो भाषण है अमेजिंग है, वो भी हमें भी सुनना है। और जिस तरह से ये दिखाया ना, जो फूलों की जो की है पेटल्स के साथ, मुझे पहले ही पता था ये होगा, हमारे बचपन में भी होता था इंडिपेंडेंस डे के लिए। सिर्फ वीआईपीज के ऊपर ही होती है, नहीं होनी, पब्लिक के ऊपर होनी चाहिए, वीआईपीज क्योंकि वो सेंटर से जा रहे थे, पब्लिक के ऊपर होनी चाहिए क्योंकि सेंटर से जा रहे थे, इसका मतलब सेंटर में जो बैठा है उसी को मिल रहा है। अच्छा, तो हो सकता है फिर जब हम छोटे थे
और हम लोग गए थे, मुझे और कुछ याद नहीं है, पर मुझे मतलब हम भी वीआईपी में गए होंगे फिर, क्योंकि मुझे बस इतना याद है कि हमारे ऊपर गिरा था, पर हमारे ऊपर पेटल्स नहीं, हमारे पास चमकीले चमकीले पेपर्स भी गिरे थे, मुझे वो याद है, और मैंने वो पेपर इकट्ठे भी किए थे, मुझे इतने अच्छे चमकू चमकू लगे थे, उसमें गोल्डन भी था और एक ट्रांसपेरेंट टाइप के भी थे, उस टाइप के थे, तो हमारे टाइम में पेटल्स के साथ ये भी होता होगा, क्योंकि मेरे को तो वो याद है, मुझे पेटल्स नहीं याद, मुझे वो पेपर याद है कि ऐसे चमकता चमकता नीचे गिरे हैं, तो दिस वॉज अमेजिंग यार, और इतनी सुंदर डेकोरेशन करते हैं, इतना सुंदर लगता है कि क्या बताएं, मजा ही आ जाता है यार, एवरी और चमत्कार क्या है इस बार माइक का पता नहीं, हाँ माइक ही नहीं है, बिना माइक के मोदी जी बोल रहे हैं कि कहाँ पे माइक वगैरह सिस्टम रखे हैं, बट इट्स अमेजिंग, मुझे लग रहा है वो फूलों के अंदर या कुछ ऐसा, मोदी जी ने कहा होगा ये ऑब्स्ट्रक्शन नीचे है, हां नहीं होना चाहिए वैसे, कुछ नई टेक्नोलॉजी की है, कुछ और किया, या तो वो नीचे से जा रहा है या फिर कुछ और ऐसा चीज है जो नीचे टेबल पे ही होगी जो हमें नहीं दिख रही है, पर किया बहुत अच्छा है, एंड nice. देख लो नो बुलेट प्रूफ स्क्रीन्स और वो सब जो हम इतना देखते थे, ये है कमाल हो गई यार, एवरीबॉडी शुड बी प्राउड कि हम इस टाइम इंडिया में हैं, हमें ये सब देखने को मिल रहा है, कमाल ही है यार कि प्राउड वो टाइम पे हम जब हमें प्राउड हो रहा है कि वी आर इंडियंस, तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।